हाय एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है होने वाला है एक कुर्तियों का हॉल। और जो मैं आज आपके साथ कुर्तियाँ शेयर करूँगी वो है अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, और टोटल 6 से 7 कुर्ती मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में और काफ़ी ब्यूटीफुल सी कुर्तियाँ हैं और मोस्टली सभी में एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कुर्ती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ब्रांड पंख से, और ये मैंने परचेज़ की है फ्लिपकार्ट। जितनी भी कुर्तियाँ शेयर कर रही हूँ उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उन्हें बाय कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की ये वाली कुर्ती मिलने वाली है, एंड पूरी पे इस तरीके से इन्होंने जरी का वर्क किया हुआ है, और इस तरीके की इसमें नेक मिल जाएगी, 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी। स्लीव्स पे भी यहाँ पे इन्होंने ये वाली वो सेम लेस इन्होंने लगाई हुई है नेट वाली। तो ये वाली कुर्ता ये अनारकली कुर्ता है, एंड पूरे पे इन्होंने जरी वाली एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये एक फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कुर्ता है। अगर आपको किसी ओकेज़न में वियर करना है और वो भी अफोर्डेबल बजट में, तो आप इस वाले कुर्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसके कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, एंड इसमें अंदर इन्होंने लाइनिंग नहीं दे रखी है, बिना लाइनिंग आपको ये कुर्ता मिलेगा। इसमें मैंने जो साइज़ परचेज़ किया है वो है स्मॉल साइज़, और अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करती हूँ तो ये वाला कुर्ता आपको रॉ सिल्क फैब्रिक में मिलेगा। फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया है। मैं एक बार आपको साइड में पिक्चर अपलोड कर दूँगी कि ट्राई करने के बाद ये कैसा लगता है। मुझे थोड़ा इसका कपड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये वियर करने के बाद शायद ये थोड़ा चुभ सकता है, पर मैं आपको वीडियो में बता दूंगी कि अगर ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। तो इस तरीके का आपको ये फर्स्ट वाला कुर्ता मिलेगा, एंड यहाँ पे नीचे इन्होंने गोल्डन लेस दी हुई है। तो गाइस, जो नेक्स्ट कुर्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ब्रांड अनमी से, और ये भी मैंने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। कुछ इस तरीके का एक डबल शेड में कुर्ता है, और ये वाइट और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। बहुत ही प्रिटी है ये वाला कुर्ता, और वियर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से की हुई है, और ये बटन्स लगवाए हुए हैं। यहाँ पे राउंड नेक मिल जाएगी, इसकी स्लीव्स आपको इतनी मिलेगी, यानी स्लीव लेस से थोड़ी सी ज़्यादा स्लीव्स है, यहाँ तक कि इसमें आपको स्लीव्स मिल जाएगी। तो इस तरीके का आपको ये वाले पैटर्न में कुर्ता मिलेगा, एंड आप इसे वियर कर सकते हैं वाइट प्लाजो के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा वियर करने के बाद। इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत ही नीटली की हुई है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप देखिए पास से, इस तरीके की आपको इसमें एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। फैब्रिक की बात करती हूँ, समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, कॉटन ब्लेंड में ये वाला कुर्ता मिलेगा। तो अगर आप ये वाला कुर्ता बाय करना चाहते हैं, अगर आप इस ओकेज़न में भी वियर करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और नॉर्मल डेली में अगर कैजुअल में वियर करना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग भी ये वाला कुर्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस, जो नेक्स्ट कुर्ता है ये कुछ इस तरीके का अनारकली कुर्ता है, एंड ये स्काई ब्लू कलर का कुर्ता है, ब्रांड है ससफ्रास से है, एंड ये कुछ इस तरीके का कोल्ड शोल्डर कुर्ता मिलेगा। बहुत ही प्यारा कुर्ता है, इसमें भी इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, और इसकी जो नेक है वो हाई नेक आएगी, और ये कोल्ड शोल्डर वाला कुर्ता है, एंड इसकी जो स्लीव्स है वो यहाँ तक की आएगी। तो ये वाला कुर्ता भी अगर आप बाय करना चाहते हैं समर्स के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा कुर्ता है, अनारकली कुर्ता, पूरा प्लेन कुर्ता मिल जाएगा। और अगर इसके फैब्रिक की बात करती हूँ तो इसका फैब्रिक कॉटन में फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। इसमें भी अंदर कोई भी लाइनिंग इन्होंने नहीं दी हुई है, लाइनिंग की नीड भी नहीं है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी थ्रेड से, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, नीटली की हुई है बिल्कुल। एंड इसमें जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो है स्मॉल साइज़, इसमें भी आपको एक्सल और डबल एक्सल तक का साइज़ फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हैं। और सेम एम्ब्रॉयडरी इन्होंने जो है स्लीव्स पे भी की हुई है। तो थर्ड वाला कुर्ता कुछ आपको इस तरीके का मिलने वाला है। नेक्स्ट वाला कुर्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके का पैरट कलर में कुर्ता है, ये मैंने परचेज़ किया है अमेज़न से, और इस पर जो है एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बलून एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इस तरीके की आपको इस पर एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत ही ब्राइट कलर है। इस तरीके का आपको ये वाला कलर मिल जाएगा, एंड ये भी एक अनारकली कुर्ता है। कुछ इस तरीके का कुर्ता मिलेगा, फुल लेंथ में कुर्ता है, नीचे आप इसे इसमें वियर कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कलर के प्लाजो के साथ या फिर ब्लैक कलर के प्लाजो के साथ आप इसे कैरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। इसमें भी आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी, इसकी जो स्लीव्स है ये है बेल स्लीव्स मिलेगी, एंड इसमें राउंड नेक मिल जाएगी। एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरीके की इसमें की हुई है, बहुत ही नीटली एम्ब्रॉयडरी है, कलरफुल सी एम्ब्रॉयडरी है। ये वाला कुर्ता भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करती हूँ तो ये रेयन फैब्रिक में है, और इसमें भी जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो है स्मॉल साइज़, इसमें भी आपको एक्सल और डबल एक्सल तक का साइज़ मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये वाला कुर्ता है। अब जो नेक्स्ट वाला कुर्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ब्रांड गुलमोहर से। तो गुलमोहर की कुर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती हैं, शायद मैंने 1-2 कुर्तियाँ पहले भी रिव्यू किया हुआ है। तो इस तरीके का आपको ये वाला कुर्ता मिलेगा,
ये वाला जो है इसमें पूरे पे ऐसे चुनरी का प्रिंट किया हुआ है, एंड इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में है ये वाले कुर्ते, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरे कुर्ते में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी और गोटे का वर्क मिल जाएगा, कुछ इस तरीके की नेट मिलेगी, एंड ये भी एक अनारकली कुर्ता है। एंड यहाँ पे इन्होंने नीचे की साइड इसमें फ्रंट कट दिया हुआ है, बिल्कुल नीचे की साइड आएगा ये वाला कट, ऊपर से स्टार्ट नहीं है, नीचे की साइड से इसमें आपको फ्रंट कट मिल जाएगा। राउंड नेक है, 3/4 स्लीव्स है, यहाँ पे भी इन्होंने इस तरीके की लेस लगाई हुई है, तो कुछ इस तरीके का ये वाला गुलमोहर का कुर्ता मिलेगा। गुलमोहर की जो क्वालिटी आती है इस ब्रांड की बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, बहुत अच्छे कुर्ते आते हैं, मैंने एक दो पहले शेयर किए हुए हैं, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं इस वाले ब्रांड के कुर्ते को। तो ये वाला कुर्ता कुछ इस तरीके का मिलेगा, एंड इसके फैब्रिक है जो कॉटन फैब्रिक है तो समर्स के अकॉर्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और इसमें भी जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो है स्मॉल, इसमें भी आपको डबल एक्सल और एक्सल तक का साइज़ मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वाली कुर्ती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी गुलमोहर से ही है, एंड ये कुछ इस तरीके की ये वाली कुर्ती मिलेगी, ये ग्रीन कलर में पूरा कुर्ता मिलने वाला है, कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें दिया हुआ है, और इसमें पूरे पे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है वाइट कलर के थ्रेड से। इसकी नेक है जो आपको काफ़ी हैवी मिल जाएगी, पूरे पे यहाँ पे बटन्स लगवाए हुए हैं, और इसकी जो नेक है वो है मैंड्रिन नेक, यहाँ पे ये मतलब बटन्स आप लगा सकते हैं, चाहे तो ओपन भी कर सकते हैं, तो इस तरीके की आपको ये वाला कुर्ता मिलेगा। एंड इसकी जो स्लीव्स है वो भी 3/4 स्लीव्स है, और यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से इसमें डिटेलिंग की हुई है, बटन लगवाए हुए हैं, तो सिंपल सी कुर्ती है पर बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। इसमें भी जो फैब्रिक है वो है रेयन फैब्रिक। और गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।